वेल, टीआरपी रिपोर्ट लेटेस्ट वीक की आ चुकी है। डेफिनेटली लगेगा बड़ा झटका जब पता चलेगी इस हफ्ते की टीआरपी आखिर क्या है, कलर्स का नंबर वन शो आखिर कौन है, क्या फिर एक बार खतरों के खिलाड़ी ने नंबर वन पोजीशन पे अपनी जगह बना दी है, या फिर नागिन सिक्स उसे मात दे रही है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट चंदोस वरांगी कर्णिक। आपको बता दें इस हफ्ते के टीआरपीज डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगने वाले हैं आपको। शुरुआत करते हैं नीमा डेंजोंगपा से, जिसे काफ़ी कम टीआरपी मिली है और वो है 0.3 की, यानी पहले 0.5 थी, अब 2.2 से कम हो चुकी है, इसलिए नीमा डेंजोंगपा को मिल रही है 0.3 की टीआरपी। स्पाई बहू को 0.6 की टीआरपी आ रही है। ससुराल सिमर का 2 इस शो को मिल रही है 0.6 की टीआरपी। नया शो पिशाचनी 0.8 की टीआरपी ले रहा है 0.9। सावी की सवारी अगेन अ वेरी वेरी न्यू शो, अभी अभी ओपनिंग हुआ है। मुस्कुराने की वजह तुम हो उसको मिल रही है 1 की टीआरपी। हरफुल मोहिनी को भी 1.1 की एक्चुअल टीआरपी मिल रही है। स्वर्ण घर को 1.2 की टीआरपी। खतरों के खिलाड़ी जिसकी टीआरपी नंबर वन पे थी, अचानक से उसकी टीआरपी कम होके 1.5 हो चुकी है। जी हाँ, -5.5 पॉइंट से कम हुई है, जिसके चलते नंबर वन की पोजीशन तो छोड़िए, बहुत पोजीशंस डाउन आके 1.5 की टीआरपी बटोरने में सफल रही है, जिसके चलते फोर्थ पोजीशन पे ये शो आ रहा है जो पिछले हफ्ते तक नंबर वन पे था। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, परिणीति 1.6 की टीआरपी इस शो को मिलती हुई नज़र आ रही है। उडारिया नंबर 2 पे अपनी जगह बनाने में कामयाब है 1.6 की टीआरपी। नागिन को 1.7 की टीआरपी मिल रही है। फिर एक बार नागिन नंबर 1 पे है, 0.2 से टीआरपी माइनस हुई है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पोजीशन अपनी फिर एक बार हासिल करने में नागिन सिक्स सफल हुई है। क्या कुछ कहना है, तेजस्वी के नागिन सिक्स ने खतरों को पीछे छोड़ फिर एक बार अपनी नंबर 1 की जगह ले ली है। लेट मी नो योर टेक इन द कॉमेंट्स। आई सी यू सून।